तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इंस्टॉल नेसेसरी फाइल्स सबसे पहले हमें फाइल फाइल खास फायल जो हमें चाहिए उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है जिसमें इजी ओसीआर है ओसीआर इज फॉर ऑप्टिकल करेक्टर इस फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूरी है कि हम इसको पहले इंस्टॉल करें क्योंकि नोटबुक में ये फाइल मौजूद नहीं है इसका काम ये होगा कि इमेज में से जो भी टेक्स्ट को डिटेक्ट करना होता है तो ये फाइल उसमें से टैक्स uh, को डिटेक्ट करने में काम आती है करेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रही होती है तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कभी भी आपको गूगल ड्राइव में कोई भी फाइल इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आपके पास साइन ऑफ एक्सप्लेमेशन होता है देन यू राइट पी आई इंस्टॉल एंड देन देन द फाइल देन इसको हमने इंस्टॉल कर लिया हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट काम ये है हमारे पास कि इस फाइल में बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हमें फिर यहाँ पे अनजिप करनी होंगी तो हमने फाइल जो भी थी उसको डाउनलोड किया उसको फिर हमने अनजिप किया और इसमें हमारे पास एक अदर ट्यूटोरियल मौजूद है वो हमारे पास इसमें अनजिप हो जाएगा तो ये हमने कमांड इसको बिल्कुल एज इट इज लिखा और इसको हमने रन किया और रन करने के बाद आप ये देखिए जो भी कॉन्टेंट्स है इसके ईजिली डाउनलोड हो गए या अनजिप हो गए उसके बाद हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज चाहिए कुछ पैकेजेस चाहिए उसको हम इंपोर्ट करेंगे एक है सीवी टू सीवी टू इज फॉर कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरीज जिसमें हाँ जो इमेज प्रोसेसिंग में और दूसरी चीजों में काम आ रही होती है तो सीवी टू लाइब्रेरी हमने ले लिया इजी ओसीआर जो अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगी फर्स्ट स्टेप में और मैं अब इसको इंपोर्ट करना चाहूंगी तो एरर आ जाएगा तो पहले मुझे गूगल नोटबुक को देने फाइल और उसके बाद मैं कहूंगी अब उसमें से इजी ओ सी आर को तो मेरे कोडिंग के लिए इंपोर्ट कर लो देन नम्पाई की फाइल हम पिछले टूटोरियल में बहुत दफा यूज कर चुके हैं ये हमारी जानी पहचानी फाइल है उसमें से हमने एनडी एर एक् ले लिया एनडी एर एज फॉर एन डायमेंशनल एरे इट स्टोर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एरेज उसके बाद हम आगे चलते हैं आ, एक लाइब्रेरी है हमारे पास एक मॉड्यूल है गूगल डॉट कोल इसमें से हमें जो फंक्शन चाहिए स्कोर आई एम शो ये जो कमांड है ये जो फाइल है हमारे पास ये हमारे इमेजेस को शो करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए चाहिए होगी जो गूगल नोटबुक पे काम नहीं कर रहा है उसके लिए कमांड होती है सीवी टू डॉट शो ठीक है तो यहाँ पे ये यह थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है तो गूगल नोटबुक में डॉट वाली कमांड नहीं चल रही होती है डज नॉट वर्क हेयर सो वी यूज cv2 टू अंडर स्कोर शो इसके लिए इसका रेस्पेक्टेड जो फाइल है जो पाथ है वो हमें इसको इंस्टॉल करना होगा मतलब इम्पोर्ट करना होगा और राइट right. तमाम फाइल को टाइप करने के बाद हम एक दफा रन कर देंगे रन करने से ये आपके जो सिस्टम में तैयार हो रहा है कोडिंग उसमें ये फाइल भी आके सेटल हो जाएगी। जाएगीव रीड एंड इमेज अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास हमने इम्पोर्टेंट चीजें कर ली हमने इंस्टॉल कर लिया हमने इम्पोर्ट कर लिया अब हमारे पास काम है कि हम इमेज को रीड करवा दे इमेज है उसको हम उठा लेते हैं तो यहाँ पे अब हमने ठीक है two, यहां पे हम को एक लिंक देंगे। तो लिंक मैं यहीं से उठा लेती हूँ मैं गई फोल्डर में जो ट्यूटोरियल हमने अनजिप किया है इस ट्यूटोरियल में गए यहाँ से हमने एक इमेजेस का फोल्डर नजर आ रहा है इमेज पे गए हम यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल अरबिक साइन जो था ये हमने उठा लिया और उठाने का तरीका क्या है कि हम इसके थ्री डॉट्स पे गए कॉपी पाथ किया हमने इस फोल्डर को हमने बंद कर दिया वापस और इस पाथ को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया इम्पोर्टेंट चीज हम जेपीजी फाइल ये सपोर्ट करेगा या पीएनजी फाइल सपोर्ट करेगा ठीक है तो एक जो इस का डिटेल ट्यूटोरियल है उसमें मैंने लाइसेंस प्लेट रीड करना दिखाया था और रीड करना दिखाया था ये दोनों इमेजे गिड हब के अकाउंट में मौजूद है जिसको मैंने यहाँ पे पे लिंक लिंक कर दिया दिया है है उसका लिंक यहाँ पे दे तो आप चाहे तो उस वीडियो पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये दो इमेज को डाउनलोड करके इस इसपे काम कर सकते हैं या अपने पास जो इमेज है उसमें से टैक्स आप डिटेक्ट करवा सकते हैं और राइट अ इसके बाद हम आगे गए आई एम जी क्वेश्चन सीवी टू डॉट आई एम रीड रीड करवा दिए मेज बात को और उसके बाद हम शो करते हैं कि ये फाइल जो इसके अंदर मौजूद है यहाँ से मैंने बिल्ट इन जो फाइल थी जो आ, फोल्डर अनजिप करने के बाद कुछ टूटोरियल मुझे मिले थे उसके साथ मुझे कुछ इमेजेस भी मिले थे तो ये इमेज को जो है मैंने रन कर लिया तो देखते हैं क्या इमेज इसमें मौजूद था इसमें ये इमेज मौजूद है जिसमें अरबिक लिखा हुआ है कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है एग्जिट और खरूज हम आगे बढ़ते हैं इंस्टेंट रीडर में हमारे पास कमांड है रीड एक टू इजी ओ सी आर डॉट रीडर पिक्चर अंडर हमने एक वेरिएबल असाइन किया है एक इसमें है इंग्लिश हम इसमें अरबिक भी ऐड कर सकते हैं ठीक है तो हमने इसमें ए भी लिख दिया अरबिक भी वो रीड कर ले जे पी फॉल्स हो जाए ठीक है बाय डिफॉल्ट जीपीयू यू ट्रू होता है अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो आप सीपीयू से प्रोसेसिंग करवा सकते हैं इट विल टेक टाइम बट इट विल डू इट फॉर यू तो लेकिन आपको जीपीयू को फोर्स करवाना होगा ताकि वो फिर सीपी की तरफ जाए या जीपीयू है भी तब भी आप उससे काम नहीं करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये तरीका है कि आप उसको फोर्स करवा दें और यहाँ पे देखिए सजेशन भी दे रहा है नोट दिस मॉड्यूल इज मच फास्टर विद अ जीपीयू तो जीपीओ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फास्ट है तो आगे बढ़ते हैं फिर हमारे पास जो है यहाँ पे टेक्स्ट रीड टेक्स्ट की कमांड है जो भी फाइल में वर्ड थे उसको हमें यहाँ पे रीड करने की जरूरत है तो हम इमेज में से टेक्स्ट को रीड करवा रहे हैं और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें खरूज डिटेक्ट कर लिया है और एक और भी लाइन मुझे नजर आ रही ही है और इसने एग्जिट भी डिटेक्ट कर लिया तो 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 है जो जो फ्लोट है जहरा उर्दू की वजह से राइट पे अलाइन हो गया है तो इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लेफ्ट पे आ चुका है डेट इज नाइन डबल फाइव जीरो नाइन डबल फाइव यानी कि नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ये श्योर है कि इसने टैक्स उसमें से सही डिटेक्ट किया है लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लोज इट थ्रेशोल्ड हमने ट्वेंटी परसेंट से किया है यानी कि ट्वेंटी परसेंट से कम का जो डेटा अगर वो डिटेक्ट करे तो उसको वो फिर काउंट ना करे हमें शो ना करे बेशक वो पढ़े लेकिन हमें शो ना हो तो हमने इसका लेवल कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड होल्ड रखा है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में डिफरेंट लेवल सेट हुए हैं तो ये इट्स ऑल अप टू यू ठीक है उसके बाद हमने इन इसमें जो हमने लूपिंग किया है ताकि तमाम जो इमेजेस इमेज के अंदर तमाम जो टेक्स्ट है ऑल द टेक्स्ट विद इन द इमेज वो सब उस तमाम टेक्स्ट के गेट एक रेक्टेंगल बना दो और उसका टेक्स्ट उसको रेस्पेक्टिव लिख लो ठीक है तो ये लूपिंग रिपीटेशन देता है आइट्रेशन देता है हमने काम ये किया है कि बॉस के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है मैंने टूटोरियल में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है तो इसमें मैं समझा रही हूं कि ये कोऑर्डिनेट हमें बताना होगा फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट तो कॉर्नर उसका सेकंड कॉर्नर उसका थर्ड कॉर्नर उसका फोर्थ कॉर्नर ये चार पॉइंट्स होते हैं हमारे पास तो ये चार पॉइंट्स ही यहाँ पे बॉक्स के डिटेक्ट हुए कहा चला गया वो शायद मैंने क्लोज कर दिया वन टू थ्री फोर ये चार स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें दो दो नंबर्स के पेर्स आपको पेयर्स नजर आ रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स है तो ये एक कॉर्नर है ये दूसरा कॉर्नर ये तीसरा कॉर्नर ये चौथा कॉर्नर है तो दिस इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर देन दिस इज द टॉप राइट कॉर्नर दिस इज द बॉटम राइट कॉर्नर दिस इज द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ठीक है तो ये चार कॉर्नर जब मिलेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा तो यहाँ पे हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमें जब हम इसमें पे टेक्स रीड करवा रहे होते हैं जब हम टेक्स्ट रीड करवा रहे होते हैं तो उस सूरत में हमें डायगोनस बताने पड़ते हैं या तो आप टॉप लेफ्ट बॉटम राइट बताएं अपोजिट या फिर आप बॉटम लेफ्ट टॉप राइट बताएं तो हमने टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट ले लिया है ज़्यादातर एग्जाम्पल में भी यही इस्तेमाल हो रहा होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर बता दिया बॉटम राइट कॉर्नर बता दिया उसको हमने अलाइन कर दिया उसमें हमने कोई कलर सेट कर दिया आ, थिकनेस उसकी टू कर दी हमने फिर हम आगे बढ़े दिस इज द डिटेल ऑफ बॉन्डिंग बॉक्स देन अब उसके कॉर्नर पे हम चाह चाहे को कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाए तो उसकी अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हो टेक्स्ट टाइप हो जाए उस इमेज के ऊपर ये जो है इसका हमने कोई फॉर्न जाएड टेक्स्ट का कोई फ़ॉन्ट बताना होगा वो हमने लिख दिया फ़ॉन्ट की ये जो है थिकनेस है फिर फ़ॉन्ट का ये कलर है और फिर ये मज़ीद जो है उसकी डिटेल्स है हम आगे बढ़ते हैं हमने सी वी अंडर स्कोर आई एम शो और आई एम जी किया अब हम इसको रन करते हैं और इसने जो है टेक्स्ट डिटेक्ट किया है एग्जिट एग्जिट को इसने कर लिया और जो खरूज है है इससे रिलेटेड इसके पास फ़ॉन्ट नहीं है, तो उसको टाइप नहीं कर सका वो तो उसने सैम्पल शो कर दिया है तो बाकी इसने रीड जब किया था तो वहां पे इसने हमें दिखा दिया था कि इसने इसको पढ़ लिया है तो लिखने वाला जो टेक्स्ट है इसके पास अवेलेबल नहीं था उर्दू टेक्स्ट तो ये इसको शो नहीं कर सका तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो बहरहाल ये हमारे पास एक क्विक ट्यूटोरियल है डिटेक्शन uh, का और जो डिटेल ट्यूटोरियल है कि हर हर लाइन और हर हर कमांड और कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड और बॉन्डिंग बॉस की थ्योरी ये तमाम चीजें डिटेल टूटोरियल में मौजूद हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है तो आप इस uh, कोई ट्यूटोरियल से भी फ़ायदा उठाए इसके एक्सप्लेन ट्यूटोरियल को भी वॉच कीजिए और ये जो चैनल है हमारा इसमें मज़ीद अपलोड होता रहेगा हमेश प्रोसेसिंग से मशीन लर्निंग के डिफरेंट फीचर्स हम उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे और गूगल नोटबुक के थ्रू उसको आ, पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा चैनल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करें शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए थैंक यू सो मच अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़